आगे आप लोग बढ़ोगे तो गहराई आपको ज्यादा दिखने वाला है, बहुत ज्यादा गहराई है। पीछे का पत्ता वगैरह पूरा बिखरा हुआ, सब कुछ झाड़ दिया गया है, बहुत गंदगी था। ये वाला गाइस एंट्री गेट है, यहीं से एंट्री करते थे, मतलब अक्टूबर तक लास्ट होता है, अक्टूबर के बाद समझिए मार्च अप्रैल तक पूरा बंद हो जाता है। गेट भी देखिये पेंट हो चुका है और अंदर चल के आपको दिखाते हैं, बस कुछ ही दिन रह गया इसको उद्घाटन के लिए। काफी बड़ा स्विमिंग पूल है। हेलो दोस्तों, मैं उजा, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग का दोस्तों कमेंट करा था पटना मोनोलॉग स्टेडियम का स्विमिंग पूल कब खुलने वाला है, तो उसी का आपको अपडेट देने वाले हैं, तो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिए। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर से गेट खुला हुआ है, ये हम लोग का स्विमिंग पूल है। प्राइस वगैरह यहाँ पर लिखा हो बट यही प्राइस होगा, चेंज होगा अभी कुछ पता नहीं, बट आपको बता देते हैं कुछ ही दिन में ये खुलने वाला है। ये इसका गेट है, कलर वगैरह देखना स्टार्ट हो गया फिर से, इस बार कलर चेंज होगा, व्हाइट जैसे किया जा रहा है, हल्का फुल्का बाहर का हो गया है। अंदर का दोस्तों कुछ क्लिप है वही आपको दिखा दे रहा है, और आपको बता रहा है कि इसका डेट बताया गया कि इस 15 तारीख को इसका खुल जाएगा स्विमिंग पूल पब्लिक के लिए, और जब खुलता है तो अक्टूबर तक चलता है, उसका अक्टूबर के बाद फिर से बंद हो जाता है। तो चलिए अंदर का आपको कुछ दिखा देते हैं। गेट भी देखिए पेंट हो चुका है और अंदर चल के आपको दिखाते हैं, बस कुछ ही दिन रह गया इसको उद्घाटन के लिए। यहाँ पर भी अभी काम चल रहा है, देखिए। तो अंदर आ गए स्विमिंग पूल के पास, देख लीजिएगा इस, फिलहाल ये खुलने वाला है। तरनताल लिखा हुआ देखिए, सब कुछ एकदम नया रहेगा। यहाँ पर शादी के लिए भी बंदोबस्त किया जाता था, बुकिंग होता था, क्योंकि पूरा गंदगी से एकदम भरा होता, सब कुछ ये सब क्लीन किया गया, साफ किया गया है। काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है, ओह अचानक से मैंने देखो मेरे को क्रोकोडाइल लगा यार, वो देख रहे हो क्रोकोडाइल देखने में लग रहा था। अंदर गहराई है, यहाँ पर आपको कम लग रहा होगा, लेवल यहाँ पर कम है, बट आगे आप लोग बढ़ोगे तो गहराई आपको ज़्यादा दिखने वाला है, बहुत ज़्यादा गहराई है उधर। यहाँ पर चेंजिंग रूम है, चेंजिंग रूम में वही सब रहेगा जो पहले था, कुछ चेंज नहीं किया जाएगा। पेंट यहाँ पर रखा हुआ देखिए, यहाँ ये पेंट वगैरह सब हो चुका है, पूरा गंदा हो गया था, पेंट वगैरह हो चुका है। ये चेंजिंग रूम है इधर, इस तरह दिया हुआ चेंजिंग रूम है। तो उद्घाटन होगा तो मैं फिर से आऊँगा, फिलहाल तो मैं ऐसे ही आपको दिखा दे रहा हूँ कि स्विमिंग पूल फिर से खुलने वाला है। देखिए इस साइड बहुत ज़्यादा गहराई है, देख रहे हैं आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो डार्क हो गया, दिख ही नहीं रहा है। और थोड़ा सा इधर देखिएगा तो देखिए स्लोप बना हुआ है, ऐसे करके स्लोप बना हुआ है। देखिएगा पत्ता वगैरह पूरा बिखरा हुआ है, सब कुछ झाड़ दिया गया है, बहुत गंदगी था, अब पहले से क्लीन कर दिया गया, बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पर था, सब कुछ क्लीन कर दिया गया है, ये भी साफ़ किया गया, अभी और किया जाएगा, बाद में लास्ट में फाइनल टच दिया जाएगा। और स्विमिंग पूल का पानी का भी लोग देख रहे हैं गंदा, वो तो साफ़ कर दिया जाएगा, वो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, मेन तो सब कुछ ये सब पेंट वगैरह कर देना है। अब ये सब कुछ पेंट होगा, वो देख रहे पिंक कलर का, तो ऐसा ये भी पेंट होने वाला। देख लीजिए पहले का टाइम अगर लिखा हुआ है, 2 साल पहले जो स्विमिंग पूल था उस समय का टाइम लिखा हुआ है, और क्या चार्ज था, चार्ज भी देख लीजिए क्या था यहाँ पर लिखा हुआ है, 2,300 रुपया एक माह के लिए, 300 रुपये, 1,000 रुपये, 2, ऐसे करके पूरा चार्ज लिखा हुआ। तो मेरे को यही चार्ज होगा, चेंज होगा अभी पता नहीं, खुलने के बाद ही पता चलेगा। टाइमिंग वगैरह भी लिखा हुआ है, देख लीजिए टाइम वगैरह पहले का है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पहले का पुराना है। दोस्तों जब ये स्विमिंग पूल खुल जाएगा तो उसके बाद फिर से आप लोगों को बता रहे हैं, मतलब अक्टूबर तक लास्ट होता है, अक्टूबर के बाद समझिए मार्च अप्रैल तक पूरा बंद हो जाता है, ठंडा के बाद गर्मी जब पूरा नहीं आता तब तक के लिए बंद हो जाता है। ऐसे पटना में जितने वाटर पार्क है सब कुछ खुल चुके हैं, मार्च एंड होते होते होली हो जाते, बट सिर्फ स्विमिंग पूल का खुलने का हम लोग को वेट है, और जल्दी खुलेगा, और लड़का लड़की गर्ल्स हो या बॉयज़ हो सबके लिए यहाँ पर होता है। लोकेशन दोस्तों आप लोग पटना मोनोलॉग स्टेडियम करिएगा गूगल में, राजेंद्र नगर के पास पड़ता है, वहीं पर आपको ये स्विमिंग पूल दिखने वाला, कोई भी यहाँ पर आपको बता सकता है। चलिए छोटा सा दोस्तों अपडेट था, पानी यहाँ से निकलने वाले, तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।